कैसे हो यार सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम देखने जा रहे हैं एक थाई मूवी जिसका नाम है अगली डकलिंग, और ये काफी फनी मूवी है जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की है जो अपने फेस के ऊपर यानी अपने हेड पर एक बॉक्स पहनकर घूमती रहती है। अभी ऐसा क्यों करती है ये हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। तो यार मूवी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी अच्छी मूवी है ये। और हाँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट आज बोलूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि वीडियो सब देख लेते हैं बट सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता है। कहानी की शुरुआत मेयो नाम से होती है जो कि अपने फेस पर हमेशा एक बॉक्स को पहनकर रखती है क्योंकि ये खुद को प्लेनेट का सबसे ज़्यादा अगली पर्सन मानती है। इतने सालों से इसने ये बॉक्स को पहना हुआ है और खुद को 3 साल से मिरर में भी इसने नहीं देखा है। अब बहुत सालों से घर के बाहर भी नहीं गई है ये। इसकी फैमिली में इसका भाई प्लावन और इसके फादर रहते हैं। एक दिन प्लावन घायल होकर घर आता है। पिटाई के डर से फादर का सारा ध्यान ये मेयो नाम की तरफ कर देता है। बेचारी मेयो नाम रोने लगती है। मोनाम अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करती है और सोशल मीडिया पर इसने अपने फ्रेंड्स भी बनाकर रखे क्योंकि वहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा इजी होती है क्योंकि हमें वहाँ किसी से बात करने के लिए फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो यहाँ पर बताती है कि यह सब शुरू कैसे हुआ था। सालों पहले जब मोनाम छोटी थी तो वो अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए गई थी और उसने मोनाम को मना कर दिया और कहा कि तुम प्लेनेट की सबसे अगली पर्सन हो। अब इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब इसको अगली बोलने लग गए। मोनाम अब घर पे आ गई और उसके बाद वो कभी भी स्कूल नहीं गई। इसके फादर इसे मनाने की बहुत कोशिश करते रहे पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। काफ़ी दिन बाद मोनाम एक बलून का पीछा करके घर के बाहर चली जाती है गलती से, और एक लड़का इसको हेल्प के लिए अप्रोच करता है। मोनाम जल्दी से अपना फेस बैग से कवर कर लेती है ताकि ये इसको देख ना ले क्योंकि मोनाम बहुत ज़्यादा अगली मानती है अपने आप को। अब उस टाइम इसको ऐसा फील हुआ कि जब इसने अपना फेस कवर किया हुआ था तो इसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था, तो उसी वजह से मोनाम अपने फेस के ऊपर हमेशा बॉक्स रखकर घूमती है। मोनाम अपना फेस अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं दिखाती। फादर इसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं मिलने के लिए, और इनको लगता है कि मोनाम बीमार है। पर डॉक्टर बताती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, टीनएजर्स में पाई जाने वाली एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से टीनएजर अपने आप को काफ़ी अकेला फील करने लग जाते हैं और ऐसी कंडीशन में वो किसी से बात भी नहीं करते, ना रूम के बाहर आते हैं। मोनाम तो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में क्योंकि वो अभी सबसे बातें करती है। रात को हम देखते हैं कि डिनर करते टाइम मोनाम बॉक्स को हटाए बिना ही खाना खाती है। इसके फादर कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तब इन दोनों बच्चों को लगता है कि इसके फादर को कैंसर है या तो ये गे है। पर फादर कहते हैं कि मोनाम कल से स्कूल जाएगी अपने भाई के साथ। मोनाम को लगता है मजाक है पर अपने फादर को मनाने की काफ़ी कोशिश करती है, बट इसके फादर इसकी बात नहीं सुनते और मोनाम गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। रूम में जाकर वो घंटों तक रोती है और सोचती है कि कल सब मुझे बुली करेंगे। पर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि बुली कहलाना ज़्यादा अच्छा है अगली कहलाने से, इसलिए वो कल अपने भाई के साथ स्कूल जाने का डिसाइड करती है। पलवान इसके लिए एक न्यू बॉक्स लेकर आता है और वो उसे डेकोरेट भी करता है ताकि ये थोड़ी अच्छी दिखे। मोनाम पहली बार अपना बॉक्स अपने फेस से हटाती है और हम देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की है। अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं। यहाँ सब बॉक्स देखकर इसका मजाक बनाते हैं, इसको बुली करने लग जाते हैं और सब इसके ऊपर हंसते हैं। मोनाम बेहोश होने वाली होती है तभी इसके पास एक लड़का आता है और इसे पकड़ लेता है। इस लड़के ने भी हेलमेट पहना हुआ है इसकी तरह ही। इस लड़के का नाम मिंटन है। यहाँ से ये भाग जाती है जल्दी और भागते हुए स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकराती है और ये सब इसको परेशान करने लग जाते हैं। इसके हेलमेट को यानी कि इसके बॉक्स को उतारने की भी कोशिश करते हैं बट मिंटन आकर इसको बचा लेता है। जीरो ये देखकर गुस्सा हो जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और जीरो मिंटन से वही बात कहता है जो कि एक एवरेज टीनेजर कहता है कि स्कूल के बाहर मिली हो तुझे देख लूंगा। मोनाम क्लास में आती है और टीचर इसका इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि इसकी प्राइवेसी को प्राइवेसी बने रहने देना क्योंकि ये एक स्पेशल स्टूडेंट है। अब टीचर के जाते हैं ये बच्चे तो वही हरामी सारे इसको बुली करने लग जाते हैं। मिंटन भी इसी क्लास में पढ़ता है और ये सब देख रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। मोनाम चुपचाप जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाती है और लंच टाइम में अपने भाई को ढूंढती है बट वो नहीं मिलता और ये यहाँ पर अकेले खाना खाने लगती है और सब इसको अभी भी घूर रहे हैं और बस इसी की बातें करते हैं। तभी इसके पास दो लड़के आते हैं और इसका बॉक्स हटाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई इसकी हेल्प नहीं करता, बाकी सब इसके ऊपर हंसने लगते। मोनाम यहाँ से जल्दी से उठकर भाग जाती है और जाकर गार्डन में बैठ जाती है। तभी इसके पास मिंटन आता है और इसे एक सैंडविच देता है खाने के लिए। मोनाम बताती है इसको कि कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगी, पर मिंटन कहता है कि प्लीज़ तुम स्कूल आना। स्कूल के बाहर जीरो मिंटन का वेट कर रहा होता है और वही होता है जो कि हर एक स्कूल के बाहर लड़कों का होता है। वो दोनों कुत्ते की तरह लड़ाई कर देते हैं और ये सारी चीज़ें मोनाम देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को मुक्का मुक्की कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जीरो मोनाम को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बाकी के सब भी अपने अपने रास्ते हो लेते हैं और इसको अकेले में ले जाकर इसका बैग हटा देता है
और ये इसको देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद तो नाम को लगता है कि ये मुझे इसलिए देख रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, और ये वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंखें खुलती है तो ये हॉस्पिटल में पाती है अपने आप को, और वहाँ पर पैनिक होने लगती है क्योंकि इसके फेस पर कोई भी मास्क नहीं होता है। इसके भाई जल्दी से इसको मास्क पहनाता है और इसके फादर कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें स्कूल में नहीं भेजता ज़बरदस्ती तो तुम यहाँ पर नहीं होती आज, इसलिए कल से तुम स्कूल नहीं जाना, तुम जो चाहती हो वहीं करना। पर मैं उनाम कहती है कि मैं स्कूल जाऊँगी क्योंकि मुझे ज़ीरो से बदला लेना है जो उसने मेरे साथ किया है, यानी कि उसके फेस से बॉक्स हटाया है। अगले दिन ज़ीरो स्कूल में बैठा मैं उनाम के सपने देख रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और तभी वहाँ पर वो आती है और इसको एक खींच के थप्पड़ मारती है, पर ज़ीरो इसका फेस मास्क हटाने लग जाता है। मिंटिन यहाँ पर आकर इसको रोकता है और दोनों फिर से लड़ाई कर देते हैं, और मैं उनाम इन्हें रोकती है, और कुछ बच्चे फ़ोटो खींचकर हर तरफ स्कूल में फैला देते हैं कि दो हैंडसम लड़के एक बॉक्स वाली लड़की के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर बैठकर बहस करने लग जाते हैं। मिंटिन कहता है कि तू मैं उनाम को पाना चाहता है इसलिए ये सब कर रहा है। ज़ीरो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल देता है कि मैं इसको नहीं चाहता, ये तो दिखने में काफ़ी अगली है, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अब ये सुन के तो मैं उनाम को फिर से चक्कर आने लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन से उनाम अपनी पहले वाली लाइफ जीने लगती है, यानी कि घर में रहना और सोशल मीडिया पर बातें करना। इसके फादर ब्रदर इसको रूम के बाहर लाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अब ये तो रूम के बाहर भी नहीं आती है। तो अभी इनके घर के बाहर ज़ीरो आता है जो कि माफ़ी मांगने आया हुआ है, पर इसके फादर इसको अंदर नहीं आने देते हैं। अगले दिन मिंटिन इनके घर आता है और ये एक डक बॉक्स बनाकर लाया है म्यूनाम के लिए। म्यूनाम ये देखकर काफ़ी खुश होती है और ये अपने लिए एक हेलमेट भी लाया है ताकि इन दोनों की मैचिंग हो जाए। अब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बातें करते हैं और अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं। पर अगले दिन स्कूल में ज़ीरो म्यूनाम को फिर से पकड़ लेता है और उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, पर इसका भाई प्लावन आकर इसको बचा लेता है। वहीं क्लास में म्यूनाम के पास एक लड़की उससे मिलने आती है क्योंकि इस लड़की को लगता है कि म्यूनाम ज़ीरो की गर्लफ्रेंड है। ये कहती है कि तुम ज़ीरो को बोलो कि वो छोटे लोगों को, यानी कि छोटे स्टूडेंट्स को जो कमज़ोर है उनको बुली ना करे, पर म्यूनाम कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लंच टाइम में खबर आती है कि ज़ीरो प्लावन को पीट रहा है। म्यूनाम जल्दी से जाकर अपने भाई को बचाती है और ज़ीरो से कहती है कि तुम वीक स्टूडेंट्स को मारते हो, उनके पैसे छीनते हो और उनसे होमवर्क करवाते हो, और कहती है कि ये सब करना बंद कर दो। ज़ीरो कहता है कि तुम अपने फेस से ये बॉक्स हटा लो, मैं सब कुछ मान जाऊंगा। अब सबको बचाने के लिए म्यूनाम बॉक्स को हटा देती है और सब इसको आंखें फाड़ के देखने लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहीं पर मिंटिन भी इसको पहली बार देखता है और वो भी इसको देखता ही रह जाता है। घर पर आकर शाम को प्लावन इसको सबके कमेंट्स दिखाता है जिसमें सब इसकी तारीफ कर रहे हैं स्कूल के ग्रुप में, पर इसे भरोसा नहीं होता है। जब ये रूम में जाती है तो वहाँ पर ज़ीरो छुपा हुआ होता है। ये इससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने मजाक में बोला था, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम बहुत सुंदर हो। और ज़ीरो यहाँ से चला जाता है। म्यूनाम को फिर भी भरोसा नहीं होता, वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को कहती है कि तुम स्कूल ग्रुप में मेरी फ़ोटो देखो और बताओ मैं कैसी लगती हूँ, और वो देखकर इसकी काफ़ी तारीफ करता है। फिर म्यूनाम को भरोसा हो जाता है कि हाँ मैं शायद सच में सुंदर हूँ, और वो फाइनली 3 साल बाद मिरर देखती है और शॉक्ड हो जाती है देख के कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, और अगले दिन नॉर्मल होकर स्कूल जाती है और इस तरह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करती है। और सब यहाँ पर स्कूल में इसकी तारीफ करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती है। और यहाँ पर इसके 2 एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं। ये मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज़ है जो कि थाई लैंग्वेज में है और इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं। इसके बाद के अगर आप लोगों को एपिसोड्स देखने हैं तो आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हो क्योंकि उसके अंदर स्कूल ड्रामा दिखाया गया है इन सब के बीच जो चलेगा। बाकी जो इसके 2 एपिसोड्स थे स्टार्टिंग वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जो कि मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।